Hello guys, so I had asked you to read revise gravitational potential energy. Revise किया होगा तो भी बहुत अच्छा, नहीं किया होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है? किया होगा तो बहुत सारी चीजें सेम लगेगी, है ना? जो न्यूमेरिकल्स सिमिलर टाइप के मैंने वहां करवाए थे वैसे के वैसे हम यहाँ करेंगे. सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. फाइन, सिंबल यू, यू ही सिंबल रहता है ना? तो मैं सिर्फ अब से पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं. सपोज एक चार्ज रखा है क्यू, काफी सारी चीजें लास्ट ईयर की याद दिलाऊंगा, जो लोग नए हैं या शायद तुमने वो सीखी होगी, है ना? नहीं सीखी होगी तो अब ध्यान देना. ये चार्ज क्यू है, यहां से एक पॉइंट है पी एट अ डिस्टेंस आर. पी पॉइंट लेते हैं हम हमेशा, है ना? इसके क्या क्या फॉर्मूला सीखा है हमने? द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये सीखा है. व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी? के क्यू बाय आर, ये भी सीखा है हमने, है ना? अब बोल रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी. द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज जीरो, है ना? क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या, सब समझेंगे. यस, स्लोली स्लोली. सी, पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज के लिए नहीं होता. सी, लास्ट ईयर मैंने सिखाया था और नहीं भी तो बाकी लोग भी ध्यान दो. पोटेंशियल एनर्जी जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होता है. यस, और एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला था. व्हाट वाज दैट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. यस और नो? U final minus U initial is equal to work done by external agent. ये formula देता है ना? So electric और potential energy कुछ होता ही नहीं है. Potential energy for a single charge is actually zero या not defined भी बोल सकते हो, है ना? Potential energy for a single charge और फॉरन नहीं, एक्चुअली ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एट एनी पॉइंट इज जीरो. या तो जीरो बोल दो या तो नॉट डिफाइंड बोलोगे तो भी चलेगा. जीरो क्यों बताता हूं, नॉट डिफाइंड क्यों कैसे बताता हूं, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सक्यूज मी गाइस, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. Potential energy is always defined for a system of charges. मतलब दो चार्ज, तीन चार्ज, पांच चार्ज, चार्जेस पास में होना चाहिए. Yes? और याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो नोट्स रेफर करो प्लीज. कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था हमने. मासेस लेते थे हम लोग ऐसा, ये मास M1, ये मास M2, ये मास M3. इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में लगाए हैं, है ना? या ये मास M1 सेम मासेस है M2 और ये M3. तो आई हैव चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन. यस और नो? चार्जेस का पोजीशन चेंज कर दिया मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया. यहां मासेस लिए मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हम पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हम क्या करते थे, अलग अलग डायग्राम्स बनाते थे मासेस का और उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर द कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, है ना? तो एक चार्ज के लिए या एक मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता.
पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ मासेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस. चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, मासेस है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यस, कॉन्फिगरेशन जरूरी है. कॉन्फिगरेशन मतलब कैसे अरेंज किया है, हाउ आर दे अरेंज्ड, ट्रायंगल में है, सिंगल लाइन में है, ऊपर नीचे है, आजू बाजू है. यस, मतलब क्या, चल इसको भूल जाओ, जो सारी चीजें चार्ज के लिए बताऊंगा वो सब चीजें मासेस के लिए एप्लीकेबल रहेगी. अभी भी बोल रहा हूं, अगर अभी रिवाइज करके नहीं आया तो जाके रिवाइज करना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या ध्यान दो यहां पे. सपोज माय इनिशियल कॉन्फिगरेशन इज समथिंग, दो चार्ज लेते हैं Q1 है ना और Q2, ठीक है, इनके बीच में कुछ तो हुआ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ, ये प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, और फाइनली या तो मैंने लाया या वो अपने आप आए, कुछ भी हो जाए, इनका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसे पास पास में आ गए, है ना, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला. यस, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, यस और नो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कुछ, तो मैं बोलूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी रहती है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, है ना, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इनकी कुछ तो एनर्जी रहेगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस, इज डिफाइंड. एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू लास्ट ईयर का फॉर्मूला अगेन, वर्क डन, वर्क डन तो है ही है, बट बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, नोट्स देखो अपने निकाल के कर, है ना. कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या, ऐसे फोर्सेस जिनके लिए पाथ मैटर नहीं करता, या वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो होता है, बट नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. अच्छा अब यहां आ जाओ जरा इस एग्जांपल में, दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये दो चार्ज यहां पर Q1 Q2, ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डू सम वर्क. यस, तो यहां पे कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस और नो, करेक्ट. और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेम एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यस, बट ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होते हैं, तो दोनों वर्क डन भी ऑपोजिट रहेंगे. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होते हैं, है ना, यस. तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कॉन्फिगरेशन. ये है मेरा पहला कॉन्फिगरेशन, ये है मेरा दूसरा कॉन्फिगरेशन, यस. ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अभी, तो फॉर्मूला दे दूंगा, फॉर्मूला से हो जाएगा सब कुछ, कोई इशू नहीं है ना. एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे होना चाहिए, विथ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विथ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे लेके जाना है उसको, यस, करेक्ट. सो पहला कॉन्सेप्ट तो याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होता है, तो मिनिमम दो चार्जेस चाहिए पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए, या मिनिमम टू चार्जेस शुड बी प्रेजेंट. अब फॉर एग्जाम्पल दो चार्जेस लेते हैं, फॉर्मूला बता देता हूं, दो चार्ज रखे हैं यहां पे, एक चार्ज इधर है Q1, एक चार्ज इधर है Q2. यस, मैंने बोला व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये दोनों चार्जेस है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो द फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू, लिखते U ही है बट एक्चुअली वो चेंज है, कैसे,
बता रहा है q1 q2 k q1 q2 अपॉन r, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यस। और ये चार्जेस को साइन के साथ लेना, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस और माइनस साइन के साथ लेना उसको जैसे है वैसे, फाइन। नाउ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू द रिक्वायर्ड कॉन्फिगरेशन, टू द रिक्वायर्ड कॉन्फिगरेशन, यस। अब मुझे क्या करना है, दो चार्जेस चाहिए ऐसे, डेरिवेशन लिख रहे हैं अब हम इसका फॉर्मूला, वी वॉन्ट टू चार्जेस लाइक दिस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। ये है इसका फाइनल कॉन्फिगरेशन, दिस इज द फाइनल कॉन्फिगरेशन, ऐसे चाहिए मुझे, है ना। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, इनिशियली ये दोनों चार्जेस को इंफिनिटी पे लेके जाएंगे, बहुत दूर, बहुत दूर इंफिनिटी पे, एंड इट इज अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। सेम टू सेम तरीके से मैंने सिखाया था लास्ट ईयर भी, और कॉन्सेप्ट भी सेम था, और तब बोला भी था सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट होगी, सिर्फ फॉर्मूला हल्का फुल्का चेंज होगा, है ना। तो ये दोनों चार्जेस को मैं पहले यहां लेकर के गया इंफिनिटी पे, यस। दिस इज देयर इनिशियल कॉन्फिगरेशन, दिस इज देयर इनिशियल कॉन्फिगरेशन, तो इनिशियली तो जीरो है सब कुछ, यस yes? अब हम क्या करेंगे, यहां देखो वर्क डन करना है Q1 को, यहां से चालू हो रहा है ना, ये तो ऐसे ही बता रहा था कि ऐसा चाहिए हमको फाइनल, है ना। ये Q1 को Q1 को टच करो, सिर्फ टच, यस, हल्का सा धक्का दे दो, इतना हल्का सा धक्का, मतलब जस्ट टच करना है उसको, तो वो चार्ज अपने आप ही यहां पे आ जाएगा कहीं तो, यस और नो, फुल स्पीड से इधर आ जाएगा चार्ज, यस और नो। तो हमने क्या ही वर्क डन कर दिया यार, टच तो किया है उसको सिर्फ, तो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट जीरो वर्क डन, यस और नो, ऑलमोस्ट जीरो वर्क डन किया है हमने, कुछ वर्क डन किया ही नहीं, जस्ट टच किया इसको, यस yes? तो वो यहां पे आ जाएगा कहीं भी, अरे यहां पे मतलब यहां पे भी अगर मैं ले लूं उसको, है ना, तो यहां पे अगर Q1 आ जाता है टच करने से, तो मैं Q2 को यहां लेके आऊंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ r, फाइन। तो हमको फाइनली क्या चाहिए, Q1 Q2 दो चार्जेस, उनके बीच का डिफरेंस r होना चाहिए, ये हमको चाहिए, है ना। तो कहीं तो आ जाएगा वो स्पेस में, इंफिनिटी से बाहर निकलेगा, यस और नो, इंफिनिटी से तो बाहर निकल गया, चलो लेट्स से यहां पे आ गया, तो क्या वर्क डन किया हमने, नथिंग, यस और नो। सो देन व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो, वर्क डन तो कुछ है ही नहीं, और यही तो हमने यहां देखा था, ये यहां पर दैट वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज जीरो, क्योंकि डिफरेंस डिफाइंड होता है। तो इस बेचारा चार्ज को पहले मैं इंफिनिटी पे रख देता हूं, है ना, तो यहां पे जीरो है इसका, और फाइनल में मैं इसको यहां लेकर के आया, तो कितना वर्क डन हुआ बाय एक्सटर्नल एजेंट, नथिंग, उसको धक्का दिया है मैंने, धक्का भी नहीं दिया, टच किया सिर्फ, इंफिनिटी से बाहर निकाला, है ना, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, फाइन। तो यहां पे आएंगे हमारे डेरिवेटिव डेरिवेशन पार्ट पे, ठीक है। अब ये Q2 चार्ज है, इसको मुझे यहां पे लेके आना है, यस और नो, इस Q2 चार्ज को यहां लेके आना है, ठीक है। तुम बोलोगे सर इसको भी धक्का दे दो, अरे इसको धक्का दे दोगे तो क्या होगा पता है, या तो ये वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, या तो रिपेल करेगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के चार्जेस पे, यस, या तो ये अट्रैक्ट कर लेगा या तो ये रिपेल करेगा, तो वो एग्जैक्टली आर के डिस्टेंस पे आके रुकेगा क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगा,
यस और नो, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा आर डिस्टेंस पे आके। तो अगर उसको एग्जैक्टली आर डिस्टेंस पे आके रुकाना है तो हमको उस पर थोड़ा सा कुछ तो काम करना पड़ेगा, यस है ना। तो वो कितना काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अभी तक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वन, सबसे पहले वापस देखो इस Q1 चार्ज को यहां लेके आएंगे, जिसके लिए तो जीरो वर्क डन किया, क्या किया, इसको धक्का दे दिया, तो ये यहां पे आ गया, यस। अब अंडरस्टैंड, यहां से R डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट है, ऐसे कंसिडर करो, यस, P, पॉइंट P। इस पॉइंट P पे Q2 चार्ज को लेके आना है, इस पॉइंट P पे Q2 चार्ज को लेकर के आना है, यस। तो व्हाट इज द वर्क डन, जितना वर्क डन Q2 को यहां लाने में लगेगा, जितना वर्क डन Q2 को यहां पे लाने में लगेगा, उतना ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था, है ना। सो फाइनल कॉन्फिगरेशन माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यस और नो, या देन क्या हो गया इसको, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब इनफाइनाइट वाला है ना, दोनों इनिशियली यहां पे थे Q1 Q2 इंफिनिटी पे, यहां तो जीरो था U इंफिनिटी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, देखो पहले चार्ज को यहां पे लाने के लिए वर्क डन, यस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q1, यस, टू दिस पॉइंट, प्लस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस पॉइंट Q2 एट दिस पॉइंट, यस और नो, क्लियर है ना। देयरफॉर यू फाइनल माइनस, ये तो जीरो है, ये तो जीरो हो गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये वर्क डन तो जीरो है, प्लस द वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P, यस, वापस लिख देता हूं, है ना, तुम लोग डायरेक्ट लिख देना, यस ना। हमारे पास कुछ फॉर्मूला था, अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो हमने अभी अभी ऊपर फॉर्मूला देखा पोटेंशियल एट पॉइंट पी का, डिराइव भी किया था इसको, है ना। द फॉर्मूला वॉज के क्यू बाय आर, यस, बट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट पॉइंट पी को कैसे लिख सकता हूं मैं, स्लो क्यों हो गया भाई, सी एम राइटिंग समथिंग हियर, द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज नथिंग बट दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग द पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी, चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय द चार्ज, ये फॉर्मूला होता है, यस और नो, ये तो जीरो है इंफिनिटी पे, so potential at point P is work done to bring the charge from infinity to P upon Q, किसको लेके जाना है हमको, Q2 को, है ना। so the potential at P into the charge Q2 is equal to work done by external agent to bring it from infinity to P, yes or no, यही तो है वो work done, है ना। so U final is equal to पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यस, इंटू क्यू टू, यस और नो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इंटू क्यू टू, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, के क्यू वन बाय आर, ये है क्यू वन एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर इज के क्यू बाय आर, तो के क्यू वन बाय आर इंटू क्यू टू which is K Q1 Q2 by R, which is nothing but the potential energy, समझ में आ रहा है, yes। तो हमने जो पिछला concept VP derived किया था उसका formula use किया, ये चीज की थी ना हमने VP के derivation में, है ना। so potential at point P is the amount of work done to bring the charge from infinity to this point
डिवाइडेड बाय द चार्ज, यस। तो मैं लिखता हूं वीपी इनटू दिस Q2, ये Q2 को पॉइंट पी पे लेके आना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही तो ये है, इंफिनिटी से वहां लेकर क्या है। तो इसके बदले मैंने लिखा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनटू द चार्ज Q2, क्लियर है। ये कहां से आया, ये इधर बताया मैंने इसका डेरिवेशन, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, KQ1 by R होता है ना, तो हमने अभी हमारा Q1 चार्ज है वहां पे ऑलरेडी, Q2 पर लेके आना है, यस। सो KQ1 by R into Q2, विच इज KQ1 Q2 upon R, समझ में आ रहा है। दैट मींस अगर दो चार्जेस प्रेजेंट है, एक है Q1 एक है Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, then the potential energy of this system is KQ1 Q2 by R, है ना। लेकिन potential energy लिखते हैं हम उसको, U लिखते हैं, but it is not potential energy, it is change in potential energy, लिखने को U लिख दो, fine, but याद रखो it is change in potential energy, है ना। तो ये हो गया उसका derivation, right? तो exactly ऐसा derive करना है वो formula, है ना। और डेफिनेशन यही बोल रहा है, बुक में अगर देखोगे टेक्स्ट बुक में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द रिक्वायर्ड कॉन्फिगरेशन, और नंबर ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू द रिक्वायर्ड कॉन्फिगरेशन, क्लियर है। तो ये हो गया दो चार्ज के लिए, है ना। इसके बदले तीन चार्जेस अगर दे दिए, सपोज ये एक चार्ज, यहां एक चार्ज, यहां एक चार्ज, ठीक है, इसको भी Q ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस है R, इसके बीच का डिस्टेंस है R, इसके बीच का डिस्टेंस है R, बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग ये तीनों चार्जेस बेचारे पहले इंफिनिटी पे रखे हुए थे, यस, पहले को यहां लाया, दूसरे को यहां लाया, तीसरे को यहां लाया, ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, यस, क्योंकि क्यू सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, है ना। तो उनको साथ में इस पोजीशन पे पकड़ के रखने के लिए तुमको वर्क डन करना पड़ेगा, यस। सो क्या रहेगा फिर, नाउ एक चीज बताना भूल गया, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो सारे सिस्टम का और दो लोगों के पोटेंशियल में तीसरे की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, यस। सपोज सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकालना है, तो पहले इन दो चार्जेस का निकालो, ये दो चार्जेस को कंसीडर करो, सिर्फ इनके कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, KQQ by R, है ना। फिर ये दोनों चार्जेस को ले लो, इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रहेगा, KQQ by R प्लस इन दोनों चार्जेस का ले लो, KQQ by R, सो ये क्या आएगा, 3KQQ by R या 3KQ square upon R, है ना। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3, सारे चार्जेस को कंसीडर करना पड़ेगा अलग अलग से, दो 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 चार्जेस लेकर के, सेम टू सेम हमने किया था मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ये मास m, ये मास m और ये मास m यहां रखा, इनके बीच का डिस्टेंस r r r, फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे ही किया था सेम, है ना। के के बदले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वहां पर, यस, और सेम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मास 1 and 2 प्लस 2 and 3 प्लस 1 and 3, है ना, और ऐड किया था उसको, तो सिर्फ स्लाइड फॉर्मूला में चेंज था, बाकी तो सब कुछ सेम है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम। इन्फिनिटी पे रखो, इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है, वहां से उठा के लाओ एंड सो ऑन सो फोर्थ, बकवास, यस।
अच्छा, और ये अजम्पशन है हम ये हमारी मर्जी भाई, साइंटिस्ट लोग कड़क होते हैं है ना, वो जो बोलते हैं वो अजम्पशन करना पड़ता है कि इन्फिनिटी एक पोजीशन है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन तुमको समझ रहा है, डेरिवेशन डेफिनेशन है ना। और नहीं समझता है कोई कॉन्सेप्ट तो भी पूछा करो कि सर ये चीज नहीं समझी। यस, आई रियली अप्रिशिएट अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो फोन करके पूछते हैं कि ये डेरिवेशन में कैसे आया, ये चीज नहीं समझी, क्लियर नहीं हुई है ना, तो प्लीज पूछा करो। चलो एक सिंपल सा सम और दे देते, स्क्वायर बनाते इसका, ठीक है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर है, स्क्वायर R R R R, बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल है U इज इक्वल, एक बार निकालोगे फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में, प्लस सेकंड और थर्ड, प्लस थर्ड एंड फोर्थ, प्लस फर्स्ट एंड फोर्थ, प्लस ये देखो इसके बीच में निकल गया, इसके बीच में निकला, इधर निकला, इधर निकला, भाई इन दोनों के बीच में भी तो निकालना पड़ेगा पोटेंशियल है ना, टू एंड फोर प्लस इन दोनों के बीच में भी तो निकालना पड़ेगा है ना, वन एंड थ्री, तो इतने सारे आना चाहिए। यस yes? तो कितने टर्म्स आएंगे, 4C2 टर्म्स आएंगे, चार पॉइंट्स है उसमें से दो 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 सिलेक्ट करो तो सिक्स, टोटल सिक्स टर्म्स आना चाहिए यहाँ पे है ना। तो वन और टू के बीच में क्या है देखो, K Q1 Q2 यस अपॉन, अच्छा एक काम करो इसको Q Q ही ले लो ना, या Q1 ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R प्लस K Q3 Q4 अपॉन R प्लस K Q1 Q4 अपॉन R प्लस K Q2 Q4 अपॉन रूट टू आर, क्योंकि ये डिस्टेंस रूट टू आर रहेगा ना, डायगनल स्क्वायर है तो डायगनल विल बी रूट टू टाइम्स ऑफ आर, प्लस K Q कौन बचा, वन थ्री, वन Q3 अपॉन रूट टू आर। यस, सो ऐसे करना है तुमको सारे क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, न्यूमेरिकल फ्रॉम ऑल इन वन, ठीक है, अभी मेरे पास मैंने फोटो वोटो नहीं लिया उसका, राइट। सो थ्री चार्जेस ऑफ 10 कूलम ईच आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, या सो खत्म यार, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R 3 है ना, ये किया हमने ऑलरेडी ऊपर ट्रायंगल के साथ, ये 3 K Q स्क्वायर बाय R है ना, तो 3 K Q स्क्वायर बाय R, Q Q Q सेम है ना वहां पे, तो मैं लिख सकता हूँ 3 K Q स्क्वायर बाय R, यस और नो, तो खत्म, फिर 3 इनटू K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने बोली थी इतनी, यस इनटू 100 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कितना है 2, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से, तो ये 9 है, तो ये आएगा 9 350, 27 into 5 is 1350, 10 raised to 9. What is the unit of potential energy? Joule. अब वो बताना नहीं है मुझे. So 135, 10 raised to 10 joule. Easy? Simple सा question. Yeah? Okay, question number 16 from all in one. क्या बोल रहा है? देखो, question explain कर रहा हूँ. पूरा नहीं लिखा, बहुत बड़ा question है. Q, 2Q and 8Q. तीन charges है. They are placed on a 9 cm straight line. Yes? For the system of these charges to have minimum potential energy,
हाउ इज द कॉन्फिगरेशन, कहाँ प्लेस होना चाहिए, मतलब देखो तीन चार्जेस है 9 सेंटीमीटर लाइन में, है ना, क्यू टू क्यू एट क्यू ऐसे होना चाहिए या टू क्यू क्यू एट क्यू ऐसे होना चाहिए, वॉट शुड बी द कॉन्फिगरेशन, कैसे रखना चाहिए उसको, पॉज फॉर अ सेकेंड एंड थिंक, या कौन बीच में आएगा, कौन इधर आजू बाजू में आएगा, एंड सो ऑन सो, ठीक है। सो मैं बता रहा हूं, सी फॉर द सिस्टम टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो दो बड़े चार्जेस है ना, दो बड़े वाले चार्जेस, वो दो आपस में सबसे दूर होने चाहिए, है ना, मतलब अगर 2q चार्ज को मैं यहां रखता हूं तो 8q चार्ज को इधर रखना पड़ेगा, है ना, ऐसे, मतलब ये 0 पे रखा मैंने तो ये 9 पे रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, है ना, ये 0 इनिशियल पॉइंट पे रखा तो q आखिरी में रखेगा, और q कहीं तो बीच में रखना पड़ेगा, वो कहां रखना पड़ेगा मुझे नहीं पता, फिलहाल लेट अस अज्यूम कि यहां रखना। अच्छा पहले तो ये बताओ कि आखिरी में क्यों रखना पड़ेगा, इन दोनों को सबसे दूर क्यों रखना पड़ेगा, सी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यस, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में डिनोमिनेटर में आर आता है, आर है ना, डिस्टेंस से डिवाइड होता है, तो अगर बड़े चार्जेस है तो ऊपर क्यू वन क्यू टू हो रहा है तो क्यू वन क्यू टू को मैक्सिमम डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ऐसे समझो उसको, है ना, यस। सो फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉन्फिगरेशन होना चाहिए, देखो यहां पे बताता हुआ थोड़ा इसके बारे में, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स, है ना, नाउ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज, इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, है ना, लाइन से, तो k 2q into q upon x k q1 q2 upon r plus 2 और 3 का लेते हैं, k q into 8q upon इनके बीच का डिस्टेंस 9 minus x, ठीक है, प्लस फर्स्ट और थर्ड चार्ज ले लो, k 2q into 8q upon डिस्टेंस कितना है उनके बीच का 9, है ना, नाउ लेट अस सॉल्व इट, तो सबसे पहले यहां से तो k कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा देखो 2q into q प्लस, समझो कॉन्सेप्ट को अच्छे से, है ना, थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता होगा तो ये आएगा, ये तो बेसिक सीखा ही है ना, 12th में वैसे और डिटेल में सीखेंगे, बट कॉमन सेंस लगाओ, यहां देखो फॉर दिस एनर्जी फॉर यू टू बी मिनिमम, अगर यू मिनिमम होना चाहिए, है ना, तो देखो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, ये तो सबसे छोटी वैल्यू है, यस और नो, मतलब डिवाइड बाय 9 हो गया यहां पे, सो ये वैल्यू ऑलरेडी छोटी आएगी, जितनी छोटी कम पॉसिबल है उतनी छोटी आने वाली, क्योंकि 9 इज द बिगेस्ट नंबर दैट आई कैन पुट हियर, यस और नो, है ना, नाउ फॉर दिस टू बी मिनिमम, ये जो वैल्यू है मेरी, क्यू को हटा दो यार, क्यू तो वहां रहने ही रहने वाला है, 2 डिवाइडेड बाय x, और ये जो है ना 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस x, दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम, ये वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए, है ना, ये वैल्यू पूरी कंप्लीट वैल्यू शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, एंड फॉर मिनिमम वैल्यू व्हाट डू वी डू, हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 बाय x प्लस 8 अपॉन 9 माइनस x, है ना, शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद x की जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव मी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस। अच्छा सी मैंने क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैथ्स में आएगा ये, है ना, मैथ्स का जो हम नेक्स्ट चैप्टर सीखने वाले हैं
यस कंटिन्यू कंटिन्यूटी और उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसमें मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट आएगा है ना, तब ये सीखेंगे बहुत डिटेल में। फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि कुछ बता रहा हूं ऐसे है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालो तो मिनिमम आना चाहिए। आई डिड नॉट रियलाइज कि ये ऐसा सम रहेगा, नहीं तो मैं लेता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन x, 2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर, यस प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आएगा 8 अपॉन 9 माइनस x का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। सो सॉल्विंग दिस मैं आंसर देख के बता रहा हूं, 3 सेंटीमीटर आता है। फाइन, मतलब क्या होना चाहिए, ये है तुम्हारा 2q, वहां से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे q रखना है, और वहां से आगे मतलब 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगा 8q, तब जाके इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, डोंट वरी अबाउट दिस न्यूमेरिकल, अगर ये नहीं समझ रहे तो है ना, मैक्सिमा मिनिमा सिखाने के बाद शायद अगर तुम मुझे याद दिलाओ तो मैं वापस सिखा दूंगा, या मुझे याद आए तो फिर से सिखा दूंगा। फाइन, आई डिड नॉट रियलाइज कि ये ऐसा रहेगा, सो फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। तो फिलहाल एचसी वर्मा से एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड लाइक दिस, ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे 2a 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 का डिस्टेंस है ना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड द वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स, यस टू टेक द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम a टू b। सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन a है, ये b है, तो सीधा सीधा यार दिस इज माय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माय फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ना। सो वर्क डन कितना रहेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, यस नो। तो u फाइनल कितना है यहाँ पे देखो, तो 3k q स्क्वायर बाय a है ना, ये तो कितनी बार किया हमने फाइनल का कॉन्फ़िगरेशन, 2 बार कर दिया ये सब, यस माइनस इनिशियल का कॉन्फ़िगरेशन, अरे 3k q स्क्वायर अपॉन 2a, यस नो। सो ये कितना हो जाएगा फिर, How much is this? Solve. ये into 2, 2. Yes. तो ये 6. 6 minus 3 is 3. K Q square upon 2A. So this is the work done by the external agent. एकदम simple. Clear है? Okay. So potential energy पे इतना ही, right? I can start the next topic also. बट आई कीप दिस सेशन शॉर्ट, कल का सेशन बहुत बड़ा रहेगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल फिनिश टुमारो। कल का सेशन काफी बड़ा रहेगा, कल के सेशन के बाद होमवर्क भी बहुत रहेगा, राइट? सो आई एम कीपिंग दिस सेशन शॉर्ट, नो होमवर्क फॉर टुडे। अच्छा होमवर्क सुनो तो जरा पूरा, फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टेक्स्ट बुक रीड करो, एवरी सिंगल लाइन, एक छोटा छोटा वर्ड भी नहीं मिस होना चाहिए, इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आई ट्राई माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यस कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजें, बट तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है और अंडरलाइन करके रखो चीजें। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा टॉपिक पढ़ लो, यस यू हैव लॉट ऑफ टाइम, कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं एंड मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं है, सो प्लीज रीड इट। ओके ओके, बाय द वे नेक्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू कॉल यू गाइस, और कॉल करके पहले 2 चैप्टर के थियरी पे टेस्ट रहेगा, वर्बल टेस्ट। फाइन, चल सी यू गाइस, बाय।